जाओ सेलिब्रिटी तुम लोग बाकी फिर हेलो नमस्ते कसा काय मंडळी, स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। मैं हूँ आपका दोस्त, इस शो का होस्ट कल्पेश गहलोत। तो आज के हमारे खास मेहमान जो के रील्स पे और टिकटॉक पे तो पूरा उनका किसी का 6 मिलियन किसी का 2 मिलियन और रिसेंटली अभी वो लोग रील्स पे फेमस है। और रील्स पे फेमस ही नहीं, सबको हंसा के उनका मतलब अलग अलग ट्रेंड लाया उन्होंने कुछ। तो स्वागत है हमारे सामने रितेश, अरमान, कल्पेश और योगेश। तो आज का मेरा ये सवाल है तुम लोग से, सवाल नहीं मतलब ये कि तुम लोग टिकटॉक पे भी थे पहले, तो टिकटॉक पे तुम लोग जब भी वायरल हुए, कल्पेश भाई के तो 6 मिलियन के पार थे, तो भाई वो फेमस होने के बाद में कैसा एरिया में कैसा तुम्हारा ये था, मतलब सब क्या चिढ़ाते थे, भंकस क्या था वो सब? चिढ़ाते थे तो सब बहुत खुश होते थे, सब लोग एरिया में हमारे कम्युनिटी में सब वीडियो देते थे, उन लोग को भी मज़ा आता था। हम लोग कॉमेडी कंटेंट बनाते थे और सैड कंटेंट बनते थे, एक एक स्टोरी हम लोग बना देते थे तो सबको अच्छा लगता था और वो हम लोग को वो फोर्स कर देते कि और अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ और अपने जो एरिया है उसका नाम बढ़ा दे रहो। रितेश भाई तो मतलब स्कूल में जाते थे सेल्फी विल्फी में सुना? वो स्कूल में जा कम जाते हैं लेकिन वीडियो कंटेंट ज़्यादा बना दे। तो मतलब वो फीलिंग कैसी थी, आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब फीलिंग कैसी थी वो स्कूल में जाते हो सेल्फी बच्चे लोग ये वो? मुझे शाळेत जायचो ना तो मुझे शिक्षक वगैरह मला ओळखायचे, बोलायचे म्हणजे तू चांगला करतो, एरियात पण आमचं नाव होतं चांगलं, तर गुण कल्पेश दादा आहे ना त्यांनी लय सपोर्ट दिला आणि आर्मन पण आणि आमची गँग पण आहे त्यांनी पण मस्त सपोर्ट दिला। जो अभी रिसेंटली मतलब रील्स पे तुम्हारी हो वो गैंग पूरे, तो अरमान भाई से बात करेंगे, मतलब ये कैसे अभी तुम लोग को मतलब टिकटॉक बैंड हो गया, तो मतलब तुमने क्या सोचा कि रील्स पे मतलब कैसे आप तुम लोग सब आए? स्टार्ट करते तो अभी रील्स पे आए तो अभी अच्छा करते, हमारा कंटेंट कुछ डांस बनाते हम लोग और कुछ डायलॉग भी लोग डालते तो पब्लिक को अच्छा लगता है, इधर मिलते फोटो वीडियो निकालते तो मतलब बहुत अच्छा लगता रहेगा तुम लोग को। तो घर वालों का क्या ये मतलब रिएक्शन रहता है तुम लोग जब किधर बाहर गए फैमिली के साथ? तो घर वाले तो बोलते तुम लोग ये कर रहे हैं वो चालू रख दो, उसके साथ पढ़ाई वो भी चालू रख दो ताकि आपको कोई बोले नहीं सके कि आप खाली यही कर रहे हो, आगे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो आगे। भाई इतने फेमस हो गए बिजी फोन में अभी वो अभी भी कंटेंट दिख रहा है क्या नया है चलेगा। और मतलब मैं अभी रिसेंटली मतलब देख रहा हूँ ना रील्स पे, तो मतलब जो मैं पेज ओपन कर रहा हूँ वहाँ खाली मुझे तुम्हारे ही चेहरे दिख रहे। तो तुम्हारा पहला जो वीडियो जो वायरल हुआ वो कौन सा था और मतलब कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि वो बनाने का? मतलब वो रूही मालूम है ना वो बादशाह मशहूर, हाँ। उसने किया पर किसी ने किया नहीं, फिर हम लोग ने किया ना, हाँ। तो सब लोग ने किया वो, हाँ। वीडियो तो मैंने तो रूही से पहले तुम लोग का ही वो वीडियो देखा था। रूही का मैंने अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले देखा, पर उससे पहले मैंने तुम लोग का देखा था वो बादशाह मसाला। तो मतलब तुम लोग रूही का मतलब देख के तुम लोग को वो इंस्पिरेशन हुआ, हाँ। तो मतलब अभी तुम लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मतलब एक्टर ही बनना चाहते हैं सब लोग चारों जो टीम। हे भाई तो मेरे को रैपर लग रहा है बोल नहीं ये भाई तो तुम लोग अभी रिसेंटली मतलब ऑडियो स्टार के साथ में उनके भी साथ बनाए थे, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? जो अभी तुम लोगों को मतलब टिकटॉकर जो सेलिब्रिटी उन लोग का रिस्पांस आ रहा है तुम लोग को, तो तुम लोगों को मतलब कैसे तुम लोग वो फेस कर रहे हैं? मतलब बहुत खुशी हो रही है कि वो हम लोग उसके साथ देखते थे जो बात कर रहे हैं हम लोग के साथ, कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा होएगा, कभी हो रहा है। और भाई का मैंने देखा है कल्पेश भाई का कि इनके इंस्टा पे नाम क्या आगे MS धोनी लिखा है, तो भाई मतलब उस बिग फैन ऑफ रोल बस मतलब कभी मिलने का मौका मिला तो बहुत ही अच्छी खुशी होगी। मैंने तो सामने से देखा, उनके मैच देखा है वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ही। तो अभी एक एक करके मेरे को बताओ रितेश भाई, आप बताओ कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर जॉनी लियोन। जॉनी लियोन, जॉनी लीवर, जॉनी लीवर। कल्पेश भाई आपका? मुझे तो कोई एक्टर पसंद नहीं, खाली धोनी। और भाई आपका? मुझे भी इंडिया का कोई नहीं, खाली आपको एक मानता है जस्टिन बीबर, हाँ। देख रहे हो गजब बेइज्जती
मर जाओ सेलिब्रिटी तुम लोग। बाकी फिर किससे इंस्पायर हुए तुम लोग कि हाँ मुझे मतलब ऐसा बनने का? ऐसा तो अभी मराठी जो ये इंडस्ट्री है उसमें बाहुगदा में और अपना सिद्धार्थ जाधव है, भरत जाधव है, उन लोग के जैसा हम लोग बनना चाहते हैं। मतलब एक्चुअली तुम लोगों को कॉमेडियन बनने का? भाई बहुत अच्छा, कॉमेडियन मतलब बहुत कम उठ के आते और जो भी ट्राई करते मतलब सबको हंसाना हो सब तुम लोग, तो भाई सही है। तो अभी अपन एक छोटा सा गेम सेशन रखेंगे जिसमें मतलब मैं कुछ सवाल पूछूंगा उसके मतलब जवाब। अभी तुम लोग में सबसे आलसी कौन है? आलसी चिंटू ही है। वो मुझे भी पता चल गया। और तुम लोग में मतलब सबसे हार्ड कॉमेडी कौन करता है, मतलब एकदम अतरंगी? ये इमोशनल? इमोशनल तो हम लोग नहीं है। शूट पे लेट कौन आता है? सब लोग तो एक ही आवाज पे आते। एक ना एक कोई तो रहेगा जो लेट। अरे रुक, दो मिनट करके लेट। एक है, वो भी नहीं है, वो भी अच्छा है, शाम है। वो भी बैंड सीन पे दिखे। तो ठीक है भाई, कैसा लगा तुम लोगों शो विद कल्पेश में? सबका पहला ही इंटरव्यू है, बहुत ही अच्छा लगा। ये जो मेरे को फोन किया मेरा दोस्त अपूर्व, उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा है, मेरा दोस्त आने वाला है, आपका इंटरव्यू लेना है, तुम लोग कंटेंट बनाते हो, वो आपको शेयर करना है। तो वो बोला तो मेरा ठीक है, आ जाओ, अपन कर सकते हैं, और अच्छा लगा आपका। थैंक यू ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। तो ऐसे हम मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट, नए इंटरव्यू और नए सवाल, नए गेम्स के साथ। तब तक देखते रहे शो विद कल्पेश।